जैन जल्दी चलो, जॉब के लिए लेट हो जाएगा। पेन खरीद लीजिए, गरीब का भला हो जाएगा। जैन हमें इस गरीब की मदद करनी चाहिए। तेरा दिमाग खराब है क्या? तुझे पता नहीं है इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा है? अगर इसकी मदद करेंगे तो इंटरव्यू के लिए लेट हो जाएंगे। हम इसकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और वैसे भी ऊपर वाला तो सब देख रहा है ना। रिया मेरा दिमाग खराब मत कर, तुझे पता है ना कितना इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए इंटरव्यू। अगर तुझे चलना है तो चल, मैं जा रहा हूँ। अरे जैन मेरी बात तो सुन, एक मिनट। हाँ ले भैया ये रख लो। मैम कुछ खाने के लिए मिल जाता तो आपकी बहुत मेहरबानी होती, मैंने दो दिन से कुछ नहीं खाया है। जैन ये बेचारा बहुत भूखा लग रहा है, चलना पहले इसके लिए खाने के लिए कुछ लेके आते हैं और फिर चलते हैं। क्या रिया तेरा दिमाग खराब है क्या? इनका तो रोज का नाटक है, चलना इंटरव्यू के लिए लेट हो जाएंगे। जैन दुकान पास में ही है, कुछ खाने के लिए लेके आते हैं, इनको देते हैं और फिर चलते हैं। तेरी मर्जी है, तुझे जो करना है कर, मैं जा रहा हूँ। अरे जैन बात तो सुन। भैया आप 5 मिनट वेट कीजिए, यहाँ पास में दुकान है, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। अरे मैम कोई बात नहीं, आप अपने काम से चली जाइए, मैं तो 2 दिन से भूखा हूँ, एक दिन और रह लूँगा तो क्या हो जाएगा। अरे नहीं नहीं भैया, भूखे को खाना खिलाना पुण्य का काम होता है, आप 2 मिनट वेट कीजिए, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। ठीक है। ये लीजिए भैया और खा लीजिए और मैं चलती हूँ। ठीक है। ये लीजिए मैम, आपने मेरी मदद करी है ना तो ऊपर वाला भी आपकी मदद जरूर करेगा। ठीक है भैया। अरे रिया तुम अब आ रही हो? क्या हुआ जैन, इंटरव्यू खत्म हो गया क्या? इंटरव्यू खत्म भी हो गया और मैं सिलेक्ट भी हो गया। यार रिया मैं तुझे कितनी बार समझाया गरीबों की मदद मत किया कर। यार रिया देख, गरीबों की मदद करने के चक्कर में आज तेरी जॉब हाथ से चली गई ना, पर तू कहाँ, तू मेरी बात सुनती थोड़ी है, देख नतीजा तेरे सामने। जैन ये जॉब मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी और मैं वहाँ लेट हो गई और ये जॉब मेरे हाथ से निकल गई। चल रिया छोड़, अब कुछ नहीं हो सकता, कहीं और ट्राई करना, हो सकता है तुझे वहाँ जॉब मिल जाए। चलो। अरे तुम इस कंपनी में इंटरव्यू देने आई थी? अरे क्या आप जानते हैं मुझे? जी हाँ मैं आपको जानता हूँ बहुत अच्छी तरह से, पर आप मुझे नहीं जानती। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। जी आज जब सुबह अरे वाह इस जमाने में ऐसे लोग हैं, अपनी नौकरी की परवाह ना करते हुए एक गरीब की मदद कर रही है लड़की। ये लड़की जिस कंपनी में भी जाएगी वो कंपनी बहुत तरक्की करेगी, और मैं ऊपर वाले से ये दुआ करता हूँ कि जिस कंपनी में भी जाए इसकी नौकरी लग जाए। जी आज जब सुबह मैंने तुम्हें गरीब की मदद करते हुए देखा ना तो मुझे बड़ा ताज्जुब लगा और बड़ी खुशी भी हुई कि आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो वाकई गरीबों की मदद करते हैं। आज आपको इंटरव्यू के लिए आना था लेकिन जब आपने एक गरीब को देखा तो आप उसकी मदद करने में लग गए, इस वजह से आपका ये इंटरव्यू छूट गया, और मुझे देखकर ये एहसास हुआ कि वाकई ये लड़की बहुत आगे जाएगी और जिस कंपनी में भी ये लड़की जाएगी उसकी कंपनी बहुत तरक्की करेगी। ये मेरे दिल से दुआ भी निकली आपके लिए, क्योंकि दुनिया में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो गरीबों की मदद करते हैं। आज काफ़ी दिन के बाद मैंने वो नज़ारा देखा जब आपने एक गरीब की मदद की और अपना इंटरव्यू छोड़ दिया। लेट होने की वजह से मेरा इंटरव्यू छोड़ गया। कोई बात नहीं आप टेंशन मत लो, लाइए रिज्यूम मुझे दो। लेकिन रिज्यूम क्यों सर? मैं ही इस कंपनी का बॉस हूँ और मैं तुम्हें हायर करना चाहता हूँ। सच में आप इस कंपनी के बॉस हैं और मुझे हायर करना चाहते हैं? तुम्हारे जैसी लड़की को कौन अपनी कंपनी में रखना नहीं चाहेगा? तुम्हारे अंदर जो इंसानियत है वो हमारी कंपनी को बहुत आगे तक लेके जाएगी। लाओ अपना रिज्यूम मुझे दो। ओके मैं इस पर साइन कर देता हूँ, कल से आप नौकरी ज्वाइन कर लेना। ठीक है। अरे पेन नहीं, मैं पेन, रुकिए पेन लेकर के आता हूँ। अरे सर रुकिए मेरे पास है पेन। ये लीजिए मैम,
आपने मेरी मदद करी है ना, तो ऊपर वाला भी आपकी मदद जरूर करेगा। लीजिए सर। ये लो अपनी फाइल, ये लो अपना पेन, और हाँ कल से नौकरी ज्वाइन कर लेना और टाइम से आ जाना। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। कॉन्ग्रेचुलेशन रिया, आज मुझे यकीन हो गया है कि हम किसी की मदद करते हैं तो उसका सिला हमें ज़रूर मिलता है। हाँ सही कहा तूने, और ये बात तो मैंने तुझसे पहले ही बोली थी कि हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो ऊपर वाला हमारे साथ बहुत अच्छा करेगा, और देखना मेरी जॉब लग गई। हाँ सही कहा, चलो अब घर चलते हैं, कल को जॉब पर भी आना है। हाँ हाँ चल।